कुछ मेरे अंदर कर रहे हो? गलत बात है बेवकूफ। अच्छा तो यार नीचे आओ, फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो और क्या करूं, खुश रहूं? तुम्हें क्या लगता है मुझे मरने का शौक था? तुम्हारा हाथ ठीक किया, कम से कम शुक्रिया तो कहो। और उसकी ठीक बात, तुमने मेरे सीने से दिल निकाल लिया। ये नरक है, यकीन नहीं हो रहा कि मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अच्छा हुआ क्योंकि आप नहीं बचोगे। वैसे ये जगह नर्क नहीं है, ये मेरी शक्ति का छलावा है। शक्ति का छलावा, जिसके बारे में फुशी गुरु बात कर रहा था? ये मेरे मन में बुना हुआ एक जाल है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों मरे नहीं हैं। अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक करके हमें जिंदा कर दूंगा। घमंडी कमीने, बड़े हीरो बन रहे हो लेकिन मुझे भी बताए तुम मरना नहीं चाहते हो। अब हालात बदल गए हैं, आने वाले कल में दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी। देखो मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी तो एक मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। दूसरी, ये एक मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। कभी नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो, मगर ये कोई चाल है। इस बार तुमने जो किया उससे मुझे समझ आ गया कि तुम एक शैतान हो। मैं कभी खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। चलो वादा करता हूँ मैं उसे एक मिनट में ना किसी को पीटूंगा और ना किसी को जान से मारूंगा। मान जा यार, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम भरोसा करो या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये शर्त सौदा है। एक केस, मैंने वादा नहीं निभाया तो मैं नहीं बचूंगा। काबिलियत से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करना तो नुकसान होता है, और तुम तो ये अच्छी तरह देख चुके हो। अब तक हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं खुद तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था, पर तुम हमेशा उस जादूगर की बात मानते रहे। और जुजुत्सु में ये बात जरूर होती है कि सौदे में दूसरे का फायदा हो। चलो ठीक है अब हटो, मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं, मुझे फिर से जिंदा करो, क्योंकि मेरी मौत की वजह सिर्फ तुम ही हो। चलो आपस में लड़ते हैं, अगर तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा, अगर मैं जीता तो तुम मेरी शर्तें मानकर फिर जिंदा होगे। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे दूंगा। तुम्हें पता ही होगा कि मैं कितना बदनाम इंसान हूँ। अच्छे से पता है जी, मैं तुम्हें बाद में सजा दूंगा। मुझे सजा देंगे? देखो टीचर बनना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैंने जुजुत्सु टेक पे पढ़ाने का फैसला किया। पूछो क्यों? पूछो ना, क्योंकि मेरा एक सपना है। मामले में तुम देख ही चुके हो कि जुजुत्सु की दुनिया में सबसे ऊपर कैसे लोग हैं। समझदार बेवकूफ, जालबाज बेवकूफ, घमंडी बेवकूफ और बुरे बेवकूफ। यहाँ मछली नहीं पूरा तालाब ही गंदा है, और मुझे इस गंदे तालाब को साफ करना है। सभी ऊंची रैंक वालों को खत्म करना आसान होता है, लेकिन उसके बाद दूसरे लोग उनकी जगह आ जाते हैं और कोई बदलाव नहीं आता। अगर फिर भी मैं ऐसा करता तो कोई मेरा साथ नहीं देता, और यही वजह है कि मैंने टीचर बनने का फैसला किया, ताकि मैं कल के ताकतवर और काबिल लीडर्स बना सकूं। और इसलिए मैं कभी कभी अपने मिशन अपने स्टूडेंट्स को भी दे देता हूं, ताकि वो लड़ना सीखे। सबको पता है बहुत बड़े काम चले। मेरे सारे स्टूडेंट्स काबिल हैं, खासकर थर्ड ईयर का हाकारी और सेकंड ईयर का ओकत्सु। वो एक दिन मेरे जैसे भी बन सकते हैं, और यूजी भी उनके जैसा ही था। अच्छा जरा सुनो, मैं काम शुरू कर रही, तो क्या तुम लोग यहीं बैठे रहोगे? मैं तो पूरा नंगा हूं। अरे अब मैं क्या करूं, मुझे पूछने में शर्म आ रही है, लेकिन आप कौन? यूजी, वेलकम बैक। या मैं लौट आया। मुझे अब अपनी रिपोर्ट्स बदलनी होंगी। नहीं ऐसा मत करना, यूजी फिर किसी चाल का शिकार, उससे पहले मैं उसे थोड़ा और ताकतवर बनाना चाहता हूँ। शोको, क्या तुम प्लीज रिकॉर्ड्स में यूजी को मरा हुआ दिखा सकती हो? तो क्या तुम उसे हमेशा छुपा कर रखना चाहते हो? नहीं तो मैं उसे एक्सचेंज इवेंट में सबके सामने लाऊंगा। उसकी वजह? उसकी वजह सीधी सी है, नौजवानों से जवानी में मजे करने का हक किसी को नहीं छीनना चाहिए। देखना सब लोग कितना हैरान हो जाएंगे। फिर चाहे जो हो जाए, मैं अभी के अभी ये नौकरी छोड़ दूंगा। मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागा, अपनी कमाई से पैसे बचा रहा हूँ ताकि अपनी जॉब छुट्टी बहनों को कॉलेज भेज सकूं। लेकिन ये सब करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। उस टेबल के पास गया तो मर जाऊंगा। सातोरू गोजो, हम सब मिलकर हमला करें तो शायद उसे मार पाए। नहीं, या तो वो बचकर भाग जाएगा या फिर तुम सबको एक साथ खत्म कर देगा। बेहतर होगा तुम लोग अपनी ताकत उसे मारने के बजाय उसे कैद करने में लगाओ। क्या कहा, ये कैसे होगा? शापित चीजों से एक चीज। पढ़ दे, बेकार में टेबल घेर कर बैठा है। सॉरी बस, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे अपनी जान के लिए। क्या मैं नहीं जा सकता? कहीं वो मनहूस चीज तुम्हारे पास तो नहीं? हमारा इसे खराब हो गया है क्या? जोगो ज्यादा जोश में मत आओ, गर्मी पड़ रही है। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने सोच लिया था? अरे भाई, दमों करने की क्या जरूरत है? अभी तुमने दिखा दिया क्या?
गेट हो, ये बताओ मुझ में सुकुना की कितनी उंगलियों की ताकत होगी? मेरे ख्याल से कम 8 या 9 उंगलियों की ताकत होगी। क्या तो मुझे वो शापित जेल दे दो, तो उसे हमेशा अपने पास रखो। बदले में मैं सातों रूपों को खत्म कर दूंगा। जब तक हम सेंटर के अंदर पहुंचे तब तक का बेटा गुजर गया था। सच कहो तो मेरा मानना था कि उन लोगों में से कोई बचाने लायक नहीं था। मेरे दोस्त को ऐसा नहीं लगता था। वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आपके बेटे का हाल देखकर यूजीनियस की लाश वापस लाने की कोशिश की। प्लीज आप ये रख लीजिए। मुझे अफसोस है कि हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। कोई बात नहीं, आप ही मत मांगो। वैसे भी उसके जाने से मेरे नाम कोई भी उदास नहीं होने वाला। लेट हो गए हो। कहाँ रह गए थे? उससे क्या फर्क पड़ता है? आपसे एक बात पूछूं, जिस जादूगर के नाते आप किस तरह के लोगों को बचाना चाहती हैं? क्या मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी को बचाती हूँ या नहीं? आपसे पूछना ही बेकार है। क्या कहा? इसलिए पहले चलो हम परवाह करके दिखाओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मानना पड़ेगा मारपीट करने में तो तुम बाकी लोगों से काफी बेहतर हो यूजी। इसलिए अब तुम्हें ये सीखना है कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और साथ ही तुम्हें जुजुत्सु की बुनियादी बातें भी सीखनी होंगी। क्या हो गया? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सिखाने के लिए आप ही सबसे बेस्ट हैं, बस इसीलिए खुश हूँ। मैं कमजोर हूँ, मैं किसी को बचा भी नहीं सकता, बल्कि मैं तो फुशीकुरो को मारने वाला था। ऐसी हालत में मैं उन लोगों के सामने भी नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे ताकतवर बनना है। मुझे अपनी तरह ताकतवर बनाइए। तो तुम मान गए मैं ताकतवर हूँ? सर जी, आपने खुद ही कहा था कि आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ठीक है, आप जरा वहां पर रखे उन ड्रिंक कैंस की तरफ देखो। ये थी शापित शक्ति, अब ये थी शापित तकनीक। अच्छा, लेकिन मैं समझा नहीं। ठीक है, समझा था। देखो, शापित शक्ति बिजली जैसी है और शापित तकनीक बिजली के सामानों जैसी। बिजली का सीधा इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना, करंट लग जाता है। तो उसके लिए हम बिजली के सामानों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने अलग अलग काम कर सकें। इस बार मैंने सिर्फ शापित शक्ति का माल किया और इस बार उस शक्ति की मदद से तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने जुजुत्सु से इस ज्ञान को मोड़ दिया। आपका मतलब मैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन शापित तकनीक सीखने वाला हूँ? नहीं, तुम शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीधे साधे शिकिगामी और बैरियर्स बनाने के अलावा बाकी शापित तकनीकें तब से हमारे शरीर में होती हैं जब से हम पैदा हुए हैं। तो मतलब जुजुत्सु जानवर की 80% शक्तियाँ उसमें पहले से ही मौजूद होती हैं। ठीक तो ना? बिल्कुल नहीं, मुझे लगा था मैं बिजली गिराऊंगा, आग जलाऊंगा या अपनी शक्ति से धमाके करूंगा। फिलहाल तुम दूसरों के किए हुए धमाके देख सकते हो। ये तो आदत होती है यार, मुझे खुद की स्पिरिट गन बना ली। जल्दी बाहर का आ जा रहा है, का जा डो डो। तुम अपनी पसंद नहीं कर सकते, और बाद में सुकुना की शापित तकनीक अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ये मत सोचो तुम क्या नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे अंदर भी बहुत ताकत बना रहा हूं। अपने स्टाइल में शापित शक्ति इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। जो लोग तुम्हारी तकनीकों में माहिर होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनके सामने कोई नहीं टिक पाता, पता है? और जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम मारपीट करने में एकदम माहिर हो। उसमें तो मैं शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूं। चलो मुझे अच्छी बात, मैंने उसे किसी तरह कंट्रोल कर लिया था। शापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। तुम जिस वक्त की बात कर रहे हो तब शायद वो बहुत गुस्से में और डरे हुए थे। शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मुझे हमेशा गुस्से में रहना पड़ेगा? अच्छा, इसीलिए मैं अचानक बहुत चिढ़ गया था। अरे नहीं, आपसे नहीं। एक्सचेंज इवेंट होने में अब सिर्फ 1.5 महीना बचा है। ये लो, अब तुम्हें लंबा डंडा चढ़ा कर देखो। ये सच में काफी अच्छा हथियार है। हम सबको थोड़े से इमोशन की मदद से शापित शक्ति इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये भी सिखाया जाता है कि जब हम ज्यादा इमोशनल हो तब शापित शक्ति को बर्बाद होने से कैसे बचाएं। ऐसी ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं और मैं सबसे ज्यादा थकाने वाला तरीका अपनाऊंगा। मतलब कौन सा? फिल्में देखना। फिल्में देखना? तो तुम शानदार फिल्मों से लेकर सी ग्रेड हॉरर फिल्म्स तक सब देखोगे। जब तक जा सकते हो लगातार देखते रहोगे। और हाँ, तुम्हें ये अकेले नहीं करना है, बल्कि तुम मुझे इसके साथ देखोगे। इस प्यारे और अजीब से कुत्ते का क्या चक्कर है? ये प्यार है, ये प्रिंसिपल का बनाया शापित कुत्ता है। मुझे लगा ही था कि उनके जैसा चाहते हैं। अरे रुको, जरा सब करो। मैं बचपन में जा रही थी, वहाँ कचरे की दो तरह की थैलियाँ होती थी। अरे तुम अभी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि लाल वाली प्लास्टिक के लिए और हरी वाली नेचुरल कचरे के लिए होती है। तो आज हम मेरे पुराने स्कूल में हैं, जिसका नाम है टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल। ओह, यहाँ कोई मुसीबत में है शायद, या ये नया स्टूडेंट है? बेचारा शापित शक्ति पैदा नहीं कर पा रहा। चलो मैं इसकी मदद करता हूँ। ऐसा सोचो कि तुम एक पतली गली में जा रहे हो, सामने कॉलेज के बहुत से लड़के खड़े हैं, उन्होंने तुम्हें अब तक देखा नहीं है, तुम उनकी जान लेना चाहते हो। तुम उनको रहिए,